गए ना मेरे मस्जिद रिश्ता और अब मैं बगैर किसी तरगीब के बहुत एहतराम के साथ हम चर्च की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहले अपने भाई बहुत खूबसूरत लिखारी मुमताज अफसाना निगार नामिक निगार दानिश्वर जनाब मोहम्मद अमीर शाह से इस्तेमाल करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और किताब के हवाले से साथ जनाब मोहम्मद अमीर शाह सियाल मुतमिन हो जाए दानिश भाई आगे जा रही बहुत शुक्रिया जी। अच्छी इतनी अच्छी गुफ्तगू हो चुकी, मैं तो शायरी का तालिब इल्म हूँ, पढ़ता हूँ मज़े से, और फिर किताब पीडीएफ में आपको मिले मुसवदा तो उसे आप कितनी सुंदर से पढ़ सकते हैं, तो जितना मैं उसे देख सका हूँ मैंने कोशिश की है कि दो चार लफ्ज़ लिख लूँ बजाय इसलिए कि मैं कोई नादुरुस्त बात कह जाऊँ। तो पहले एक छोटा सा कोटेशन है, ऐसे ही मुश्किल मकाम पर आदमी का हाथ अदब आदमी का हाथ थामता है कि उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान का पेचाक ही दरअसल जदीद अदब का मौसू है और इस पेचाक ही के किसी पड़ाव पर एक बुर्ज आज है जिसमें बैठा अदीब ख्वाब और ख्याल के लच्छों से जूझता रहता है, कुछ सुलझा लेता है कुछ में रेशम के कीड़े की तरह उलझ कर रह जाता है और अंजामकार मर जाता है मगर दुनिया को तख्लीकियत का रेशम दे जाता है। ये इक्तबास जो मैंने पेश किया फिक्शन निगार असलम सिराजुद्दीन की आखिरी मकबूआ तहरीर से लगभग 9-10 बरस पहले की तहरीर, इतने बरस गुजर जाने के बाद ये याद कर रहा हूँ तो इसका सबब शहजाद अजहर की गजलियात के पहले मजमूए का नाम है जिसकी तकरीब में हम आज मौजूद हैं। मुझे किताब नहीं उसके अंदरूनी सफ़ात का अक्स पीडीएफ की सूरत में मिला था, किताब के नाम पर मेरी नज़र ठहर गई और कितनी ही देर में उसे देखता रहा लहू के रेशम से। फिर असलम सिराजुद्दीन की आखिरी तहरीर के जुमले याद आए जिनमें तख्लीकियत का रेशम आया था, हमारे शायर शहजाद अजहर के यहाँ लहू का रेशम आया है, तख्लीकियत और लहू में बज़ाहिर कोई मुमासलत नहीं है मगर जब मैंने उसकी तरफ से मिलने वाली फाइल के कुछ औरात अलग पलट कर देखे तो शायर की मिसरा साजी पर उसके लहू को सरफ होते पाया। मानना पड़ता है कि फनकार का अपना वजूद गजल जैसी तहजीबी सिंध के आंग में तभी आता है जब तख्लीकार के लहू से तासीर नुचड़ नुचड़ कर फन पारे किए का बाफ्ती रिश्ता परेशा होने लगती है। इस गजल के दो शेर जिससे किताब का नाम अक्स हुआ है, ख्वाब के मराहिल में जाग जाग जाते हैं पानियों में कागज की कश्तियां चलाते हैं, तुम हरास जज्बों पर दिल की राह मत खोलो ये लहू के रेशम से सुर्खियां चुराते हैं। शहजाद अजहर के हाँ शेर की साख में लफ्जों की नशस्त बरखास्त कुछ यूं करीने से होती है कि मिसरा मैज कुछ आम लफ्जी तरतीब नहीं रहता आईने का सा हो जाता है जिस पर कहीं तो नहीं सा ख्याल किसी रेशम के थान की तरह सरसराता हुआ और फिसलता हुआ महसूस होता है और कहीं मिसाले संग आता है वजूद चटकता है और आईने में बाल आने लगता है। ख्याल को फन की सतह पर तहजीब देते हुए ये शायर जिस तरह इस सिंफ के जमालियाती करीनों का ध्यान रखता है वो अपनी जगह कारी को एक ख्वाब जैसी फिजा में ले आता है, ऐसी फिजा जिसमें एक धुंसी रहती है और इसके अंदर से आप सारे मनाजिर देख रहे होते हैं, वो सारे मनाजिर जो शायर हमें ज़रा फासले पर रख कर दिखाना चाहता है कि एक मुनासिब फासला ही उसमें पैदा करता है। ये शहजाद अजहर का पहला शेरी मजमूआ है मगर वो हमारे लिए नया नहीं है, नहीं वो उन शायरों जैसा है जिनका शेर चौंकाता तो ज़रूर है मगर कुछ वक्त साफ गुजारे तो वह ऐसे सिमाई न रखने वाले पुराने जरफ़सा हो जाता है जिसकी कली उचटने लगती है। शहजाद अजहर चौंकाने के लिए गजल कहता ही नहीं है, मुझे लगता है कि वो ख्याल एहसास और उसके लचकदार लिसानी सांचे के साथ तख्लीकी लम्हात के बाद भी बहुत सा वक्त गुजारता होगा, यूं जैसे कोई मुसव्वर तस्वीर बना चुकने के बाद उसे पीछे हटक कर और जाविया बदल कर देखता है और यहाँ वहाँ वर्ष लगाता रहता है कि यहाँ तक कि एक बैलेंस कायम हो जाए और सारे रंग एक आहंग में आ जाए। शायद यही सबब रहा होगा कि बकौल खुद उसके सतर आरई मदनी तनवो और तमसारी मुआफ़त की तख्लीक में उनकी 40 बरस की इजाज़त के बाद यह किताब आ पाई है।
मुझे शहजाद अजहर को पढ़ते ही ऐसा कम कम होता नजर आया है कि उसने किसी ख्याल के रग में या अपने दिफा में एक फिक्री फिजा बनाई हो जिसके अंदर रहने और पुड़ने से तख्लीकी अमल को तहरीक मिली हो। दुरुस्त नादुरुस्त मेरा ये मेरा तखमीना है कि शायर के हाँ भी दूसरों की तरह ख्याल एहसास और जिंदगी से जुड़े हुए किसी सवाल से नए मिसरे की कोंपल फूटी होगी, जरूर फूटी होगी। सब तकनीककारों के हाँ ऐसा ही होता है, मगर वो इस मिसरे के जमालियाती दायरे के अंदर घूमता रहता होगा यहाँ तक कि वह एक थीसिस की शक्ल में ढल जाए और दूसरे मिसरे को खुद ही तकनीकी राह सुझाने लगे। पहले मिसरे की आवल नाल से रिश्ता कायम रखने वाला दूसरा मिसरा जो महज मिसरा नहीं होता शेर की तकमीलियत का सबब भी हो जाता है। कुछ दिन पहले मैंने शहजाद अजहर को एक मुदत बाद देखा तो छाती पर एक कौन सा सब पड़ा था। मैंने उसे पहले अच्छा भला देख रखा था, उसकी बिगड़ी हुई सेहत मेरे लिए तकलीफ दे थी। खैर किताब आई तो उसके वजूद को लगे हुए रोग से जैसे ध्यान हट सा गया है। इतनी ताज़ा और तवाना शायरी करने और करने वाला पढ़ने वाले के अंदर भी तवानाई भर देता है। मुझे याद है अलकार बाब ज़ौक के तनकीदी जलसों में किसी फनपारे पर गुफ्तगू करते हुए वो हमेशा फ़न और उसकी जमालियात को उसके मवाद पर तरजीह दिया करता। आप शहजाद अजहर की किताब पढ़कर एक तरफ रखेंगे तो महसूस करेंगे कि यही मामला तकनीकी सतह पर उसका अपना भी रहा है। तभी तो जहन में ख्यालात उठने की बजाय खूबसूरत तस्वीरों का एक एल्बम सा खुल जाता है। इन तस्वीरों में कहीं हुस्न धड़कता है और कहीं ज़माना दिल के साए में पड़ा सस्तारा होता है। ये अश्क रियाजत और तकनीकी इखलास से अपने फ़न के साथ ज़िंदगी और मौत का सा रिश्ता कायम कर लेने का एजाज़ है कि शायर का कलाम कागज़ पर चमकने लगा है। शहजाद अजहर के लहू के रेशम लच्छों से तख्लीकियत का जो शहजाद अजहर ने लहू के रेशम लच्छों से तख्लीकियत का जो एजाज दिखाया है उसने उसे लायक तवज्जो गज़ल को हम असरों में ला खड़ा किया है। उसकी सेहत और सलामती और तख्लीकी तौर पर यूं ही तवाना और रवान रहने के लिए दिल से दुआ निकलती है। वो और लिखे कि ऐसा कलाम तो लिखने वाले की ज़िंदगी और तौकीर बढ़ाता है और अदब के संजीदा कारी का फ़नी अखबार पर एतमाद भी बहाल कर देता है। पेशाए अर्ज हुनर से तोड़ दे चुपका पहाड़, लिख गज़ल शहजाद अजहर और मुसीबत से निकल।